ओ यारो मेरा नाम अनजाना। दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की तिखड़ी के दौर में एक ऐसे अभिनेता भी थे जिन्होंने न सिर्फ अपना अलग मुकाम बनाया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाबी की नई इबारत लिखी। कोयल क्यों गाए, कोयल क्यों गाए। जुबली कुमार के नाम से मशहूर यह अभिनेता न सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नब्ज को बखूबी समझते थे बल्कि उन्हें यह भी पता होता था कि दर्शकों को किस तरह की फिल्म पसंद आएगी और किस तरह की फिल्म उन्हें पसंद नहीं आएगी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। इस वीडियो में बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के बारे में बात करने जा रही हूं, जिन्होंने करीब 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब। यहाँ तक कि राजेंद्र कुमार को 60 के दशक का सबसे बेहतरीन एक्टर माना जाता था। 60 के दशक में ज्यादातर लड़कियाँ राजेंद्र कुमार जैसे हैंडसम हस्बैंड की कामना करती थीं। बॉलीवुड की हर बड़ी हीरोइन उनके साथ काम करना चाहती थी। राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे तब भी उन पर फिदा हो जाती थी बॉलीवुड हसीनाएं। उन्हीं में एक थी सायरा बानो, जो शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता राजेंद्र कुमार से शादी करने के लिए अड़ गई थी। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। तब हमारा देश ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। उनके दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और पिता कराची और सिंध में कपड़े का बिजनेस करते थे, मतलब वह खाते पीते घर के थे। लेकिन बंटवारे ने उनसे आरामगा छीन कर उन्हें एक रिफ्यूजी बना दिया। वह अपना मुल्क छोड़कर अपने परिवार के साथ भारत आ गए थे। यहाँ उनके पिता ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया था जो अच्छा चल गया। इसके बाद राजेंद्र कुमार की नौकरी भी पुलिस विभाग में लग गई, वह भी सब इंस्पेक्टर के पद पर। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजेंद्र कुमार के एक दोस्त ने उन्हें फिल्मी दुनिया के सपने दिखाए और मुंबई आकर एक्टिंग करने को कहा। वैसे तो राजेंद्र कुमार का बचपन का सपना था एक्टर बनना, और दोस्त की बातों ने सपने को हवा देने का काम कर दिया। वह पुलिस की ट्रेनिंग से जाने से 2 दिन पहले मुंबई के लिए निकल पड़े। लेकिन पैसों की इतनी किल्लत थी कि ट्रेन का किराया तब जेब में नहीं था। अपनी कलाई से घड़ी उतारी और 65 रुपए में बेच दी, फ्रंटियर मेल पकड़ी और अपने सपनों के पोटली लिए पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई। जब वह मुंबई पहुंचे तो असलियत का पता चला। दोस्त भी वहां संघर्ष कर रहा था। दोस्त से मिले धोखे की वजह से राजेंद्र कुमार काफी आहत हुए और उन्होंने शर्म के मारे घर वापस न जाने का फैसला किया। फिर यहीं से राजेंद्र कुमार का फिल्मों में जाने का संघर्ष शुरू हुआ। मुंबई पहुंचकर बड़ी मुश्किलों के बाद राजेंद्र कुमार को गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से 150 रुपए की तनख्वाह पर डायरेक्टर HS रेवेल के सहायक के तौर पर काम मिला था। इसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने राजेंद्र को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर लिया। यह साल था 1950। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 1500 रुपए मिले थे। फिल्म में काम तो मिल गया था लेकिन पहचान बनाने के लिए राजेंद्र कुमार को 7 साल लग गए। 1950 से 1957 तक राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। इसके बाद साल 1957 में नरगिस के साथ राजेंद्र कुमार को महबूब खान की मदर इंडिया में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके सह कलाकार थे सुनील दत्त, राजकुमार और नरगिस। हालांकि इस फिल्म में राजकुमार और नरगिस ने
सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के माता पिता की भूमिका अदा की थी। फिल्म में राजेंद्र कुमार का किरदार तो बहुत छोटा था, लेकिन उनके काम की जमकर तारीफ की गई। इसके बाद 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई बतौर लीड एक्टर राजेंद्र कुमार की पहली हिट साबित हुई। भोले भोले जहर कहे गोले नैनवा बेदर्दी, बादल घिरे घिर आए पापी पपिहारा गाए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 1959 में धूल का फूल फिल्म भी की जो सुपर हिट रही। 1963 में एचएस रिवेल द्वारा निर्देशित फिल्म मेरे महबूब सुपर हिट हुई। उसके बाद 1964 में आई मिलन की बेला, 1964 में ही संगम, 1965 में आरजू, 1966 में सूरज आदि फिल्मों में काम किया और ये सारी फिल्में सुपर हिट रहीं। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है। इस तरह साल 1963 से 1966 के दौरान उनकी सभी फिल्में सुपरहिट हुई। कम सिन हो नादा हो नाजुक हो भोली हो। कहा जाता है कि उस वक्त हर सिनेमा घर में राजेंद्र कुमार की ही फिल्में लगी रहती थी और सभी फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, जिस वजह से लोग राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहकर बुलाने लगे। मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे। राजेंद्र कुमार जब अपने स्टारडम के शिखर पर थे उसी दौरान एक फिल्म आई थी गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने शहनाई वादक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए राजेंद्र कुमार को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने शहनाई तो नहीं सीखी लेकिन एक्सप्रेशन सीखने पड़े। इस काम के लिए उन्होंने मशहूर शहनाई वादक मिसमिल्ला खान से मदद ली। राजेंद्र कुमार लकड़ी की नकली शहनाई लेकर शीशे के सामने बैठ जाते और रिकॉर्डिंग के दौरान बिस्मिल्ला खान के एक्सप्रेशंस और कंधे गले की हरकत को कॉपी करने की कोशिश करते। फिल्म रिलीज होने के बाद जब राजेंद्र कुमार ने बिस्मिल्ला खान से फिल्म को देखकर उनसे फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा, आप फिल्म में कहाँ थे, मैंने तो फिल्म में सिर्फ खुद को देखा। भोले भोले हाय भोले भोले जहर कहे गोले नैनवा बेदर्दी। राजेंद्र कुमार ने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी 35 फिल्में जुबली हिट रही। राजेंद्र कुमार को सामाजिक कार्यों के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कानून और गुजराती फिल्म मेहंदी रंग लागियो के लिए राजेंद्र कुमार को जवाहरलाल नेहरू से नेशनल अवार्ड भी मिला। 1964, 1965 और 1966 में 3 साल तक लगातार राजेंद्र कुमार को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। 1969 में राजेंद्र कुमार को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 70 के दौर में उनका रंग फीका पड़ने लगा और उनकी माली हालत भी खराब होने लगी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राजेंद्र कुमार को अपना बंगला डिंपल बेचना पड़ा था। जब उन्हें ये बंगला छोड़कर जाना पड़ा था वह पूरी रात रोते रहे थे। 1960 के शुरुआत में राजेंद्र कुमार ने बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र किनारे बने इस बंगले को 60,000 रुपए में एक्टर भारत भूषण से खरीदा था। उन्होंने इसे नया रूप देकर इसका नाम अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा था। इस घर में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार की मानो किस्मत ही बदल गई थी। उनकी फिल्में लगातार हिट होने लगी और लंबे समय तक सिनेमा घरों में चलती रहती। लेकिन अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। एक वक्त आया जब राजेंद्र कुमार की फिल्में चलना कम हो गई क्योंकि इंडस्ट्री में एक नया लड़का आ गया था, राजेश खन्ना नाम का।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना की फिल्में अब काफी पसंद की जाने लगी थी, लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनने में अभी कुछ वक्त था। फिर भी राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार के बंगले को खरीदने की इच्छा जता दी, क्योंकि इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार को सफलता मिलनी शुरू हो गई। इस कारण यह बंगला लकी माना जाता था। राजेश खन्ना को जब यह पता चला कि राजेंद्र कुमार इसे बेच रहे हैं, तो उन्होंने इसे तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया था। बंगला खरीदने के बाद राजेश खन्ना ने इसका नाम आशीर्वाद रख दिया। राजेश खन्ना के लिए भी यह बंगला काफी लकी साबित हुआ था। उन्होंने इसमें शिफ्ट होने के बाद एक के बाद एक 15 हिट फिल्में दी थी। अगर हम राजेंद्र कुमार के अफेयर की बात करें, तो वैसे तो जुबली कुमार का नाम किसी हीरोइन के साथ विरले ही जोड़ा गया था, मगर जब भी बात उनके अफेयर की होती है तो एक ही नाम सामने आता और वो है सायरा बानो। सायरा बानो और राजेंद्र कुमार ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। ये अजीब बात है, अपना प्यार तब से है जब दोनों ही कलाकारों की गिनती 70-80 के दशक के टॉप स्टार्स में होती है। इनके अफेयर का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। जब राजेंद्र कुमार ने फिल्म आई मिलन की बेला में सायरा के साथ काम किया, तो वह उन पर फिदा हो गए। मैं कमसिन हूँ, नादा हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। बॉलीवुड के जुबली कुमार पर सायरा का दिल भी आ गया। राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता भी। सायरा राजेंद्र कुमार से शादी की जिद पकड़े हुए थी, तो वही राजेंद्र कुमार भी सायरा की खातिर अपना परिवार तक छोड़ने को तैयार थे। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने एक साथ आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और अमन जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। सायरा फिल्म दर फिल्म राजेंद्र कुमार की दीवानी होती चली गई। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना। एक बार अपने बर्थडे पर वह इसलिए रूठ गई कि उनकी मां ने राजेंद्र कुमार को नहीं बुलाया। तब नसीम बानो ने दिलीप कुमार को खबर भेजा कि वह आकर अपनी फैन सायरा को समझाए बुझाए। सायरा की मां नसीम बानो को अपनी बेटी की नादानी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी एक शादीशुदा शख्स से शादी करे। इस मामले में नसीम बानो ने पड़ोसी दिलीप साहब की मदद ली और उनसे कहा कि सायरा को वो समझाए कि राजेंद्र कुमार से दूर हो जाए। बेमन से दिलीप कुमार ने यह काम किया, क्योंकि वे सायरा के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे और शादी का तो दूर दूर तक इरादा नहीं था। जब दिलीप साहब ने सायरा को समझाया कि राजेंद्र के साथ शादी का मतलब है पूरी जिंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफें झेलना, तब पलटकर सायरा ने दिलीप साहब से सवाल किया कि क्या वे उनसे शादी करेंगे। सायरा के इस सवाल से अचकचाए दिलीप उस समय तो कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बाद में बहुत सोच विचार कर वह सायरा बानो से शादी को तैयार हो गए और फिर इस तरह राजेंद्र कुमार का परिवार टूटने से बच गया था। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। राजेंद्र कुमार के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegend.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।